प्रदेश में बढ़ता जा रहा है कोरोना का आतंक। जोधपुर में एक और कोरोना पॉजिटिव मिला है। लद्दाख का 41 वर्षीय व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। 25 मार्च को ईरान से जोधपुर लाया गया था। अजमेर में कल कोरोना के 3 मामले सामने आए हैं। आपको बता दें, एक ही परिवार के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना पॉजिटिव की संख्या 60 हो चुकी है। लगातार प्रदेश में कोरोना का आतंक, लगातार जो संख्या है, जो आंकड़े हैं, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बेहद गंभीर विषय लगातार बनता जा रहा है। अब इस गंभीरता को बहुत ही गंभीरता से लेना होगा, सजग रहना होगा। जो लोग अपने घरों में हैं, वो अपने घरों में ही रहें, क्योंकि ये वो लोग पॉजिटिव सामने आ रहे हैं जो संदिग्ध थे। चलिए न्यूज रूम का रुख फिलहाल करेंगे, जहां हमारे सहयोगी लोकेश ओला फिलहाल मौजूद हैं। लोकेश, ये बताएं कि देखिए, जिस प्रकार से लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है, मैं ये जानना चाहूंगी, देखिए प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा भी, डॉक्टर्स के द्वारा भी, हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं कोई उम्मीद कब इसकी वैक्सीन बनेगी, ऐसा कुछ सामने आया? जी बिल्कुल मनीषा, बताना चाहूँगा, अभी तक कोरोना की कोई वैक्सीन अभी तक बनके तैयार नहीं हुई है। लगातार जो चिकित्सक है और जो शोध में लगे हुए चिकित्सक है, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसकी वैक्सीन तैयार किया जाए। लेकिन जिस तरह से HIV मलेरिया और स्वाइन फ्लू की दवाइयों के मिश्रण से ही इन मरीजों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है, वहीं बताना चाहूँगा कि राजस्थान में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और अब मरीजों की संख्या 60 पहुँच चुकी है। जोधपुर में एक और जो कोरोना का पॉजिटिव मिला है, वो ईरान से लाया गया था, जो लद्दाख का निवासी है। साथ ही बताना चाहूंगा कि अजमेर में एक ही परिवार के 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। जो पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज आया था, वो पंजाब से या अपने परिवार के पास में आया था, और उसके बाद में उसके भाई और माता पिता भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और वहीं एक और सूचना आ रही है कि भीलवाड़ा में भी एक और कोरोना पॉजिटिव मिलने की सूचना सामने आ रही है, लेकिन अभी उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं अब तक आधिकारिक तौर से भीलवाड़ा में 25 कोरोना के पॉजिटिव मिल चुके हैं। जयपुर में भी 10 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर और झुंझुनू में 7-7 कोरोना के पॉजिटिव मरीज हैं। बाड़मेर में सुखद खबर है कि जो अब तक वहाँ पर कोरोना के जो मरीज संदिग्ध मरीज सामने आ रहे थे, उनकी जो रिपोर्ट सभी के नेगेटिव आई है। और जो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के 10 जिलों में कोरोना ने अपने पैर पसारे हैं। हालांकि जो अन्य जो जिले हैं, उनमें संदिग्ध मरीज सामने आए थे, उनकी स्क्रीनिंग करके उनको आइसोलेट किया गया, लेकिन अब तक उनकी कोई भी ऐसी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है, जो एक अच्छी खबर है राजस्थान के लिए। भीलवाड़ा में सबसे अधिक जो कोरोना का जो ग्राफ है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जहाँ पर डॉक्टर पहला कोरोना पॉजिटिव मिला और उसी के अस्पताल के करीब 18 जो स्टाफ हैं, वो कोरोना के पॉजिटिव उसमें पाए गए, और उससे संबंधित जो मरीज थे, जो वहाँ से इलाज ले रहे थे, वही कोरोना के पॉजिटिव अब तक सामने आए हैं। डूंगरपुर में भी जिस तरह से एक परिवार के पिता और पुत्र 2 कोरोना के पॉजिटिव मिले, वो भी इंदौर से डूंगरपुर मोटरसाइकिल के जरिए आए थे, उसी दौरान वो संक्रमित हुए थे। लगातार कोरोना के ग्राफ को बढ़ते को लेकर चिकित्सा विभाग गंभीरता से काम कर रहा है, स्क्रीनिंग कर रहा है। वहीं मुस्तैदी से चिकित्सा विभाग के चिकित्सा मंत्री और साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार विभाग के अधिकारियों और प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स और SP के साथ में मिलकर जो समीक्षा बैठक कर रहे हैं, उनको तमाम लॉकडाउन के निर्देश दे रहे हैं, किस तरह से सुनिश्चित पालना की जाए। साथ ही बताना चाहूँगा कि जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान जो लोग हैं घरों से बाहर प्लान कर रहे हैं, अपने गंतव्य स्थान के लिए जा रहे हैं, घरों के लिए निकल रहे हैं, उनको लेकर भी निर्देशित किया गया है कि उनको किसी तरह की परेशानी, उनको भी रोकने की कोशिश की जाए। इन सब चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि कोरोना के संक्रमण से संबंधित जो भी उनके आसपास में जो लोग आए, उनके जो संपर्क में जो लोग आए, उनको आइसोलेट किया जाए। इसी को लेकर क्वारंटाइन का निर्माण भी तेजी से और किया जा रहा है, ताकि उनको जो संबंधित संदिग्ध मरीज भी आए और उनसे संपर्क में आने वाले को वहाँ पे रोका जा सके। जी लोकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें, जिस प्रकार से यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, बेहद सजग रहने की जरूरत है, बेहद गंभीर रहने की जरूरत है। लगातार आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, आपको जरूरत है अपने घर में रहें, सावधान रहें। फिलहाल